आज का हमारा स्पेशल वीडियो अपडेट है। ट्रेन नंबर 12331 और 12332 हावड़ा जम्मू तावी हिमगिरी एक्सप्रेस। इस ट्रेन में रेलवे ने कुछ बड़ा परिवर्तन किया है जो कि इस वीडियो अपडेट में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इस वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने रिलेटिव और दोस्तों के साथ ताकि इस तरह के लेटेस्ट रेलवे न्यूज और न्यूज अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन संख्या 12331 और 12332 दोनों ही दिशाओं में रेलवे ने इस ट्रेन का परिचालन अब नए रूट से करने को लेकर के हरी झंडी दे दी है। लेकिन इस नए रूट के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस ट्रेन का परिचालन नए रूट से इसलिए किया जाना है क्योंकि क्यूल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को अंजाम दिया जाना है, जिसको लेकर के कई जोड़ी ट्रेन का परिचालन नए और डेविटेड रूट से रेलवे परिचालन शुरू करने जा रही है, जिसमें यह ट्रेन भी शामिल है। यह ट्रेन हावड़ा से जम्मू तावी के बीच चलती है और यह ट्रेन अब नए रूट होके चलेगी। और आपको बता दें कि यह ट्रेन अभी हावड़ा से आसनसोल मधुपुर जेसीडी झाझा जमुई होकर चलती है, जो कि आने वाले दिनों में इसका रूट बदल सकता है। आपको बता दें कि हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस 20 मार्च से 31 मार्च तक, जबकि जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस 19 मार्च से 31 मार्च तक बदले हुए रूट से चलेगी। और इसका जो बदला हुआ रूट आसनसोल गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर किया जाना है, यानी कि रेलवे ने यहां पर थोड़ा परिवर्तन करते हुए इस ट्रेन का परिचालन नए रूट से करने को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि यह ट्रेन अब पुराने रूट से नहीं चल के अब नए रूट होकर चलेगी। और यह ट्रेन आसनसोल गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होकर चलेगी। और आपको बता दें कि यह ट्रेन सिर्फ 19 मार्च से 31 मार्च तक इसका परिचालन इस रूट से किया जाना है और वापस से यह ट्रेन अपने निर्धारित पहले के जैसा ही रूट पर चलेगी। इस ट्रेन का इसलिए परिचालन इस नए रूट से किया जा रहा है क्योंकि यहां पर कई ट्रेनों का परिचालन नए रूट से किया जाना है, जिसको लेकर के रेलवे ने पहले ही सूचना जारी किया था। और यहां पर क्यूल पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य का काम किया जाना है, जिसको लेकर के यहां पर नई लाइन, नई पुल एवं कई योजनाएं को भी यहां पर शुरू करने की रेलवे ने ठानी है, जिसको लेकर के कई ट्रेन का परिचालन प्रभावित हो सकता है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इस वीडियो को पूरा अवश्य शेयर करें ताकि इस तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक मिलता रहे।